अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एक बार फिर आपके साथ मौजूद बीएस इंग्लिश के प्रोग्राम पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हस्बी मबूल डे बाई डे विद द पेस ऑफ टाइम वक्तन फवक्तन एक नए टॉपिक लेके आते हैं और आपके साथ इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो इसी तरह आपको ये भी मालूम होगा कि कई दिनों से जो हमारी सीरीज चल रही है वो है स्पेशल ग्रामर। यानी इस सेशन में हम करेंगे क्या, इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्पेशली रिक्वेस्ट है फ्रॉम माय व्यूज, जो कि बीएस फर्स्ट के स्टूडेंट है उनके रिक्वेस्ट है मुझसे। तो कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम सेकंड नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या, कैसे बना सकते हैं आप, किस तरह बनाते हैं लोग। लेकिन इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लें, सबसे पहले मैं आपको दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए ख्वाहिश रखते हैं तो प्लीज आप राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन आएगा उसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहीं पे एक बेल आइकन का बटन आएगा उसे भी ऑन कर लें, ताकि हमारे रोजाना के नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे और आप इसी तरह मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। चलो बगैर टाइम इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सवालिया जुमला। यानी हम कहते हैं कि ऐसा जुमला हम जिसमें हम किससे पूछते हैं क्वेश्चन, या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है, कोई हमसे सवाल पूछते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं उर्दू में, आप कहाँ रहते हो, इंटरोगेटिव है। या मैं कोई और एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि क्या आप खाना खाओगे, इंटरोगेटिव है। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, इंटरोगेटिव। आप मुझे क्यों घूर रहे हैं, इंटरोगेटिव है। आप क्यों हंस रहे हैं, इंटरोगेटिव। आप क्यों स्कूल जाते हो, ओ भाई पढ़ने के लिए जाता हूँ यार, किडिंग कर रहा हूँ वैसे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस ऐसा जुमला डिड आस्क अ क्वेश्चन, जिसमें सवाल पूछा जाए, याद रखना जिसमें सवाल पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने शॉर्टकट फॉर्म में आपको लिख लिया, आप इसे याद कर सकते हैं, अ सेंटेंस डिड आस्क अ क्वेश्चन। बहुत लंबा छोड़ा नहीं कहता, क्योंकि आपको पता क्या था, आपको मजीद में फरमाते हैं कूलो कौलन सीधा, बात कहते हो तो सीधी बात को, यार क्या लंबी छोड़ी लगा रखी है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो अ सेंटेंस डिड आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल मैंने दिए, डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिए। तो इसका मतलब आप ले लें कि कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। क्या आप मैं कहता हूं कि डू यू लिव इन मानसेड़ा, क्या मानसेड़ा में रहते हैं। या डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। डू यू ईट द मील, क्या आप खाना खाते हो। डू यू आस्क द क्वेश्चन, क्या आप सवाल पूछते हो। डू यू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो बार बार मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि डू यू सब्सक्राइब माई चैनल, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो आज के लिए इतने काफी है, तो मैं जरा रिवीजन करता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा जुमला जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जांपल, डू यू लव मी, अगर आप वाकई मुझसे प्यार करते हैं, वाकई पे ब्रदराना तअल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों शेयर करने से क्या फायदा होगा, शेयर करने से यह फायदा होगा कि इससे आपके दोस्त आपका भी फायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतने काफी है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वाले के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।